जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। दर्शकों, राष्ट्रसंत डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब की प्रेरणा से विश्व शांति और 2019 में होने वाली महाप्रतिष्ठा के प्रचार प्रसार हेतु तमिलनाडु की कृष्णगिरी धाम से निकला विश्व शांति रथ जगह जगह महती धर्म प्रभावना कर रहा है। रथ आगमन के पावन अवसर पर समाज की महिलाओं ने भजन गाकर प्रभु भक्ति की पुण्य लाभ लिया। इसके बाद यात्रा झाबुआ झेल पहुंची, जहां लोगों ने दर्शन वंदन का लाभ लिया। आज के दिन हमारे जेल के लिए गौरव का दिन रहा कि विश्व शांति रथ यात्रा जो 11 स्टेट से होती हुई तमिलनाडु में स्थापना के संबंध में मुझे बताया मनोज जी ने, प्रदीप जी ने, हमारे बंदी भाइयों के लिए जो साधी महाराज ने अनमोल वचनों का व्याख्यान किया, हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि उनके प्रवचन के व्याख्यान का हमने लाभ उठाया। और आशा करूंगा मैं कि इस प्रकार की यात्रा आगे और चलती रहे और मनोज जी और प्रदीप जी का सहयोग मिलता रहे और भविष्य में भी हमको बंदी भाइयों के लिए ऐसा अवसर लाभ मिलता रहे, यही मैं कामना करूंगा। धन्यवाद। विश्व शांति रथ जो लगभग 100 आचार्यों एवं गच्छाधिपति के द्वारा जो वक्षेप किया हुआ एवं साथ ही हजारों साधु संघ के द्वारा पूजित जो शांति रथ यात्रा झाबुआ नगर में नगर आगमन हुआ, इस अवसर पर मैं जैन श्वेतांबर श्री संघ बावन जिनालय झाबुआ की ओर से परम पूज्य पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में वंदना करते हुए यह विश्व मंगल की कामना से जो रथ परिभ्रमण कर रहा है वह उन उद्देश्यों को पूर्ण करता हुआ विश्व में प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, मंगल हो, इन भावना को पूरा सार्थक करे एवं 11 फरवरी को जो प्रभु पार्श्वनाथ जी की अलौकिक एवं दिव्य प्रतिष्ठा कृष्णगिरी तीर्थ में है, वहाँ भी अधिक से अधिक संख्या में झाबुआ श्री संघ से महानुभाव वहाँ पहुँचेंगे एवं लाभान्वित होंगे। वसुधम वसुदेव कुटुम्बकम की भावना को लेकर जो यह विश्व शांति रथ निकला है,
कृष्णगिरी तीर्थ से उसका आगमन झाबुआ शहर में हुआ। यहाँ पर व्यापारी संगठन के द्वारा 15 अगस्त और 26 जनवरी पर राष्ट्रीय पर्व बहुत ही विशाल रूप में मनाया जाता है। उस राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत विश्व शांति रथ ने सहभागिता प्रदान की और इस राष्ट्रीय पर्व में सभी ने विश्व शांति रथ का लाभ लिया और विश्व शांति को लेकर यह रथ जो चला है इसने झाबुआ के प्रत्येक नागरिक के मन में विश्व शांति की भावना को जागृत किया और आज का यह आयोजन इस रथ के कार्यक्रम में सम्मिलित होने से और गरिमामय रहा। यहाँ से निकलकर यात्रा अपने अगले पड़ाव में दाहोद पहुँची, जहाँ अनेक भक्तों ने भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन वंदन का लाभ लिया। इसके बाद गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें अनेकों भक्त शामिल हुए और सभी ने धर्म प्रभावना में अपना भरपूर सहयोग दिया।
विविध क्षेत्रों में भ्रमण कर यात्रा मंदिर जी पहुंची, जहां अनेक भक्तों ने रथ में विराज चमत्कारी भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन वंदन का पुण्य लाभ लिया। इस पावन अवसर पर भक्तों ने प्रभु की आरती भी उतारी। जय जय आरती आदि जिनंदा, जय जय आरती आदि जिनंदा, नाभिराया मरु देवी को नंदा, नाभिराया मरु देवी को नंदा, जय जय आरती आदि जिनंदा, जय जय आरती के बाद भक्तों ने एक स्थान पर विराजित होकर विश्व शांति हेतु नमोकार महामंत्र का जाप किया। आज हमारे दाहोद शहर में विश्व शांति रथ का भव्य आगमन हुआ। जैसे ही हमको पता चला कि दाहोद में ये रथ आने वाला है, हमारे दाहोद समाज में बहुत हर्ष उल्लास था और यह रथ दाहोद के विविध मार्गों पर होकर भ्रमण करते हुए हमारे सिमंदर स्वामी मंदिर पर आगमन हुआ और श्रद्धालुओं में बहुत खुशी की लहर थी। यह रथ 11 राज्यों में 280 नगरों में घूमते हुए हमारे दाहोद शहर में मंगल प्रवेश हुआ और पार्श्वनाथ भगवान की अद्भुत प्रतिमा थी उसमें और सभी ने उस दर्शन का लाभ लिया। हमारी यही विनंती है कि 2019 में इस मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है कृष्णागिरी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु पधारे, यही हमारी कामना है। कृष्णगिरी एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जहाँ पर पद्मावती माता साक्षात बैठी है और परम पूज्य राष्ट्र संत श्री वसंत विजय जी महाराज साहब ने एक कृष्णगिरी तीर्थ ऐसा बनाया है जो विश्व में नाम, जैन धर्म का नाम रोशन कर रहा है। और मेरी यही सभी श्रद्धालुओं से मंगल कामना है कि 2019 में विश्व की जो सबसे
फर्स्ट नंबर की प्रतिष्ठा कृष्णगिरी में होने जा रही है, उसमें सभी श्रद्धालु उत्साहपूर्वक वहाँ पर पहुँच के और पार्श्वनाथ भगवान माता पद्मावती माँ के आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सफल बनाइए। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर देखिएगा आगे के दृश्यों को। जय जिनेंद्र।